अनंती अभयारण्य में वनों की अवैध कटाई की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के बाद भी समाधान होगा इसकी संभावनाएं कम है। सोमवार को भी जांच टीम ने 16 कब्जाधारियों को गिरफ्तार किया है जो जंगलों में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इनमें 5 महिलाएं भी हैं। कब्जाधारी जान देने को तैयार हैं मगर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। मामले में शिकायतकर्ताओं पर कब्जाधारियों से लेनदेन के गंभीर आरोप लगे हैं। 5 अक्टूबर से अब तक 3 बार रायपुर से उच्च स्तरीय जांच टीम जंगलों में पहुंची और खाक छान चुकी है। साथ ही बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के सबूत भी मिले हैं। ये और झोपड़ी भी उतार चुके थे। लोग बोलते हैं मतलब कुछ दिन मुहा दिन के चले जाएंगे बोलते हैं बाद में, और झोपड़ी उजाड़ने के बाद युद्ध नहीं जाते और पुनः बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारा जगह नहीं है, उसी कारण में जगह नहीं होने के कारण वहाँ जाके जीवन व्यापन करके हमारा पेट परिवार पाल रहे हैं। अभी जैसे कार्रवाई की बात से आओगे तो वहाँ अभी नहीं छोड़ोगे? जान दे देंगे, नहीं छोड़ेंगे। और हमने आगे वैधानिक कार्रवाई भी अपना जारी रखा और आज इसी वैधानिक प्रावधान के तहत जो है हमने इनके अगेंस्ट में कार्यवाही की है और 16 लोगों को गिरफ्तार करके गरियाबंद पुलिस